न्यू प्रभात सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 2 मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलीनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट फर्स्ट x इज इक्वल टू 0। हमें x इक्वल टू 0 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 px दिया हुआ है तो आपको वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पर हम 5x की जगह क्या रखेंगे, 0 t0 निकालना है ना, इसीलिए तो 4 0 का स्क्वायर प्लस 3 t0 क्या हो जाएगा, 5 0 जा 0, 4 0 जा 0 और ये 3, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा ओनली 3, तो t0 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3। अब इसी तरह से इसका सेकंड करते हैं, px इज इक्वल टू -1, अब आपको p-1 निकालना है, तो p-1 5x की जगह -1 -4 ये -1 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 3। p-1 इज इक्वल्स टू 5 × 5 कितना आ जाएगा -1 -4 ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा +1 3 -5 4 × 4 एंड 3। अब इसको सॉल्व करेंगे -, प्लस कितना है -9 ये कितना आ गया -6, तो p-1 की वैल्यू हमारी कितनी आई -6। ओके ये हमारा आंसर। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, आपको x इज इक्वल टू क्या निकालना है 2 निकालना है, तो आप p2 निकालेंगे, 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 × 2 = 10 और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 10 − 4 = 16। अब इन दोनों को प्लस कर दो, पहले 13 − 16, तो आपकी p2 की वैल्यू आ जाएगी ±, तो 16 में से 13 गया तो कितना आएगा -3। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द p0 p1 एंड p2 फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल। आपको p0 p1 और p2 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, पहले आप y की जगह 0 रखेंगे, फिर आप y की जगह 1 रखेंगे, फिर y की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो आप जैसे ही p0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0 का स्क्वायर -0 + 1, 0 का स्क्वायर 0 -0 + 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 1। अब आप क्या लिखेंगे p1, यानी कि y की जगह क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर दोबारा 1 और फिर 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 सॉरी -1 + 1, ये माइनस और ये क्या हो गया कट गया, आपके पास क्या बचा 1। अब आपको क्या निकालना है p2, y की जगह 2 का स्क्वायर, अगेन y की जगह 2 एंड 1, 2 × 2 = 4, 4 − 2 + 1, 4 में से 2 गया तो कितना आएगा 2 और 2 में 1 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 3। तो ये आपकी तीनों वैल्यू आ गई y0 y1 और y2। ठीक है, आप इसी तरह से इसका सेकंड करते हैं t, ठीक है, अब इसी तरह से t को करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे p0 अगेन, वहाँ पर हमने किसके लिए t ने y की वैल्यू रखी थी, अब यहाँ पर हम किसकी वैल्यू रखेंगे t की वैल्यू रखेंगे, तो 2 + t की जगह 0, फिर 2, फिर 0 का स्क्वायर -0 3, तो ये क्या हो गया 2, 0 की जगह 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0 का 0, तो आंसर क्या आया 2। अब आ रही है p1 की, t की जगह 1 रखो, 2 t² की जगह 1 का स्क्वायर और t³ की जगह 1 का क्यूब, 2 + 1 कितना हो गया 3, +2 − 1, 3 + 2 − 1, ठीक है, 3 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, ठीक है। अब ये हमारा p1 आ गया, अब हमको क्या निकालना है p2 के लिए 2, t की जगह क्या आ जाएगा 2, 2 × t का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब यानी कि 3, अब जगह नहीं है, 2 में 2 जोड़ा तो कितना आएगा 4,
टू टू जा फोर, फोर टू जा क्या हो जाएगा एट, और टू टू जा एट, टू का क्यूब क्या आता है एट, तो हमारा आंसर कितना है फोर, क्योंकि प्लस माइनस एट क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ठीक है, अब आपका थर्ड पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें भी हम क्या निकालेंगे, पहले पी जीरो निकालेंगे, तो एक्स की जगह जीरो, तो जीरो का क्यूब जीरो होता है। पी वन, वन का क्यूब, वन का क्यूब वन होता है। पी टू, टू का क्यूब, टू टू जा फोर एंड फोर टू जा क्या आ जाएगा एट आ जाएगा, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके फोर्थ पार्ट में पी जीरो निकालना पड़ेगा। जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन, ये क्या हो जाएगा माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा प्लस वन, आंसर क्या आएगा माइनस वन। अब यहाँ पे वन लिखेंगे, वन माइनस जीरो, वन प्लस वन, तो वन में से वन गया जीरो, वन में वन प्लस किया टू, और टू जीरो जा जीरो। अब पी टू निकालना है, तो टू माइनस वन, टू प्लस वन, टू में से वन गया वन, और टू में वन प्लस किया थ्री, तो थ्री वन जा थ्री। तो हमारे क्वेश्चन नंबर वन एंड टू कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। अब हमको x इज इक्वल टू माइनस वन, वन बाई थ्री वैल्यू दी है, आपको बताना है क्या ये इसके जीरोज हैं। अगर ये किसी कोई पॉलिनोमियल का जीरो दिए पूछता है तो हमें क्या करना है, उसकी जगह उसको वैल्यू रख के देखना है। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आ जाती है तो इसका मतलब कि वो उसका जीरो है। तो क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन थ्री, तो पी माइनस वन थ्री मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, तो यस आएगा, अदरवाइज नो आएगा। तो यहाँ पर पी माइनस वन बाई थ्री लिख के देखते हैं, थ्री माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए जीरो। ठीक है, ये थ्री से थ्री क्या हो गया कट, माइनस वन प्लस माइनस तो गया है जीरो, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस आ गया। यस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन थ्री इज आ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, अब इसका सेकंड करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस पाई, आपको क्या लिखना है, पी फोर अपॉन फाइव क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब पी फोर अपॉन फाइव निकालेंगे, फाइव इंटू फोर अपॉन फाइव माइनस पाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो, फाइव से फाइव कट गया, फोर माइनस पाई नॉट इक्वल्स टू जीरो, एल एच एस इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस, एक्स इज इक्वल टू फोर अपॉन फाइव इज नॉट अ जीरो। ठीक है, इस तरह से इसका थर्ड करते हैं। आपको दो वैल्यूज पे निकालना है, एक्स इज इक्वल टू वन के लिए और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन के लिए भी। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू वन निकालेंगे, पहले पी वन निकालेंगे, पी वन क्या आना चाहिए जीरो, और इस तरफ हम निकालेंगे पी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो पी वन निकालेंगे तो वन का स्क्वायर वन माइनस जीरो, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो। यस एक्स इज इक्वल टू वन इज अ जीरो। माइनस वन लिखेंगे तो पी माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो यस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज ऑल्सो जीरो। ओके, अब इसका फोर्थ करते हैं, हमें दोनों वैल्यू निकालनी है इसमें भी। तो पहले हम पी इज इक्वल टू माइनस वन निकालेंगे, तो एक्स की जगह माइनस वन प्लस वन, और माइनस वन माइनस टू ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या बचा जीरो, जीरो को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा यस पी माइनस वन इज अ जीरो ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। इसी तरह से इसमें भी पी टू निकालना है, टू प्लस वन और टू माइनस टू, थ्री इंटू जीरो क्या होना चाहिए जीरो, थ्री जीरो जा जीरो, तो एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ गया आर एच एस, तो क्या लिखेंगे यस
इज अ जीरो ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट।